हनुमानगढ़ के रावतसर नगर पालिका के ईओ चैम्बर में मारपीट हुई। मारपीट को लेकर दोनों पक्षों के लोगों ने रावतसर एसडीएम और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। ईओ चैम्बर में मारपीट में घायल पीड़ित और से क्षेत्र के जाट समुदाय के लोगों ने एसडीएम संजय कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग भी की है। वही मेघवाल समाज का कहना है कि राज के दबाव में ना तो उनकी बात सुनी जा रही है और ना ही उनकी ओर से एफआईआर दर्ज की जा रही है। एसडीएम ने दोनों पक्षों को उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। हनुमानगढ़ से राजरतन पारिक की रिपोर्ट। शुक्रवार को 1 बजे के लगभग नगर पालिका चेयरमैन ईओ के ऑफिस के अंदर चेयरमैन साहब थे वहां पर और प्रतिपक्ष नेता गौतम मसल और 3-4 लोग और वार्ड पार्षद बैठे थे वहां पर। किशन जी प्रचार भी वहीं पे थे, वीडियो देखी थी मैंने। तो 3-4 असामाजिक तत्व आए और उनमें मैन तो सिकंदर था और जो ये अजय खिचड़ अमित खिचड़ है लड़का वहाँ पे खड़ा था कोई अपने निजी कारण से और उसके साथ मारपीट की। और हम यही चाहते हैं हमारे समाज के द्वारा कि हमारे समाज के लड़के को बेफजूली में और जो असामाजिक तत्वों ने पीटा है उसके लिए हमने जाट समाज ने आज ज्ञापन दिया है और उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। 12 तारीख को नगर पालिका के अंदर समय था लगभग 12-1 बजे तक। जैसे चेयरमैन नगर पालिका में गया, वर्किंग डे था, तो वहाँ देखा तो कमरों के ताले लगे हुए थे, एक एक ताला नहीं दो दो ताले लगे हुए। लोग काम के लिए वहाँ आए, चेयरमैन के कस आए, चेयरमैन से कहा भी हमारे काम नहीं हो रहे, हम कई दिन से फिर रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही और ऑफिस में ताले लगे, ईओ साहब ने ताले लगा रखे हैं दो दो। तो चेयरमैन जाके ईओ साहब के कक्ष में गए और ईओ साहब से पूछा कि ईओ साहब ये ताला लगाने का क्या सीन है, क्या मेरे पास कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हैं इनको आप बैठाओ, छोटे मोटे काम है जनता के वो तो करके दो। तो ईओ साहब भड़क गए उस बात पर और प्रतिपक्ष के नेता गौतम बंसल जो है उसको फोन किया, वो 5-7 आदमी लेके चैम्बर में घुस गए।